हेलो हाय गाइस, दिस इज़ अभिषेक, बेटर नोन एज डी रावत। और आज मैं ब्रेक डाउन करने जा रहा हूँ अपनी स्पीड का, जो कि हैवीली इंस्पायर्ड है एम सी स्टैंड के ट्रैक स्नेक से। आइए इसको डिकन्स्ट्रक्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने शुरू किया था इस पैटर्न से, जो कि मुझे थोड़ा एथनिक साइड पे रखना था इंडियन, क्योंकि आपने देखा ही होगा एम सी स्टैंड के ट्रैक थोड़े से एथनिक साइड पे रहते हैं। काफ़ी गिटार का भी यूज़ होता है उसमें, बट मैं ऐसा इंस्ट्रूमेंट चाहता था तो थोड़ा गिटार का भी काम करे बट साथ में एथनिक वाइब भी दे। तो इसको सुनते हैं। देखने में बड़ी कॉम्प्लेक्स बीट लग रही है, पर ऐसा कुछ नहीं है। ये जो वाइट नोट्स हैं ये एसेंशली है ही नहीं, तो इनको मैं हटा देता हूँ। इसके स्टार्ट मैंने कैसे किया था, पहले मैंने कुछ बेस नोट्स भरे थे, जैसे कि ये और ये, फिर यहाँ पे ये दोनों, फिर यहाँ पे ये तीन, फिर यहाँ दोबारा। फिर उसके बाद मैं इस पर थोड़ा सा पैटर्न खेलता गया। पहले मैंने रिदम बना ली थी ये बेसिक, फिर मैं उसके बाद से डाउन आ रहा हूँ। देखिए ए पे है तो इसके सी से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं थर्ड नोट से, तो मैं नीचे को आया। फिर यहीं साथ में ये मैंने फिलर एलिमेंट्स थोड़े मिलाए बीच में और ये एक अच्छी मेलोडी बन गई। जितना मैंने नोटिस किया है एम सी स्टैंड के ट्रैक स्नेक में, पूरे उसमें एक ही गिटार मेलोडी चल रही है, बट मैं थोड़ा सा वेरिएशन देना चाह रहा था, इसलिए मैंने बीच में ये वाला वर्स में ये पैटर्न बनाया। ये जो आप ऊपर सुन रहे काउंटर मेलोडी है ये। कभी वही था जो मैंने दिमाग में सुनना चाह रहा था, वो मैंने यहाँ फिट करा, फिर उसको स्केल पे बिठाया और ये ऐड कर दिया गया। इसके बाद मैंने एक फ्लूट लिया था जो कि ओरिजिनली कुछ ऐसा साउंड करता है। एक लूप है बट मैंने फिर इसको अपने हिसाब से एडजस्ट किया और ये कुछ ऐसा सुनाई देता है। उसके बाद मैंने फिर 808 पैटर्न बनाया जो कि बस बेस रूट्स को फॉलो कर रहा है। फिर इसी के साथ में किक मिलाई गई है और साथ में हाई हैट्स और क्लैप, तो सुनते हैं इन तीनों को साथ में। तो हाई आर्ट में आप देख ही सकते होंगे, जैसे हाई आर्ट की काफ़ी वेलोसिटीज़ के साथ खेला है मैंने, तो इससे अच्छा एक ग्रूव आता है और मतलब रोबोटिक थोड़ी कम ही लगेगी। तो दैट इज़ इट गाइस, इतनी थी बीट। काफ़ी सिंपल बीट है लेकिन सुनने में बहुत अच्छी लगती है। अगर आपको और ट्यूटोरियल्स देखने हैं तो नीचे कमेंट जरूर कर दीजिएगा। लेट्स गो।